सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। ओ हेलो, मुझे पूरा यकीन था कि पुलिस तुम्हें जरूर छोड़ देगी। लो मैं आ गया। मुझ जैसी लड़की के साथ में तुम्हें कल रात हवा लात की हवा खिला दी, भूल गए क्या? भूल गया होता तो आता क्यों? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बैठो। मेरे साथ दिखोगे तो लोग बदनाम करेंगे। मैं नाम की नहीं मन की बात मानता हूँ, और मेरे मन का ही अरमान है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। आओ बैठो। शायद तुम रात भर सोए नहीं, मैं भी रात भर जागता रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इसके बाद तुम ये कहोगे कि तुम मुझे इस गंदगी से निकालना चाहते हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। आज तक कोई मर्द ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये ना कहा हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, वो बात दूसरी है कि कमरे से निकल जाने के बाद सबके प्यार का भूत भाग जाता है। ये बात मैं कमरे में नहीं अपनी गाड़ी में कह रहा हूँ। बात तो कमरे में ले जाने की है। एनीवे, गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। फिर कब मिलोगे? कभी नहीं। क्यों? मुझसे ना मिलना ही अच्छा है। तुमसे मिलना ही मुझे अच्छा लगता है। घर तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, मेरी बात का जवाब तो देती जाओ। देखो, तुम इज्जतदार खानदान के लड़के हो, किसी शरीफ लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो। तुम करोगी शादी? मजाक अच्छा है। ये दिल की आवाज है। दिल नादान होता है, दीवाना भी होता है। ये दीवान की नहीं बेवकूफी है। तुम करोगी शादी? नीले, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने धंधे में लड़की जितनी पुरानी होती जाती है उसकी कीमत उतनी घटती जाती है, लेकिन तेरी कीमत पुरानी शराब की तरह बढ़ती ही जा रही है। जानती है, किसी ने 60,000 रुपए दिए हैं तेरे साथ 3 दिन बिताने के लिए। एक बात बताओ आंटी, अगर तुम्हारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम उसे इतनी खुशी से बेचती? बेचती? अरे वो मेरी बात सुनती और तुझसे 10 गुना ज्यादा कमाती। चल, टाइम वेस्ट मत कर, तुझे वहां पहुंचना है। हेलो, तो आप हैं मेरे 3 दिन के खरीदार। वो क्या है कि सफाई देने की जरूरत नहीं, मर्दों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी आपने मुझे 3 दिन के लिए खरीदा है, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। क्या लेंगे आप? विस्की पानी के साथ या सोडे के साथ? देखो नीलिमा, मैं मैं भूल गई थी, पहले उस जिस्म को दिखाना चाहिए जिसे आपने खरीदा है। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, प्यार करते हैं आप मुझसे, शादी करना चाहते थे इसीलिए ना कि मुझे इस कमरे तक ले आए। आपकी चाहत तो पूरी हो गई, चिकनी चुपड़ी बातों से ना सही कीमत देकर बुलवा लिया आपने। यूं समझिए कि मेरी औकात बता दी। अब देख क्या रहे हैं,
आइए, मेरा जिस्म आपकी भूख मिटाने को तैयार है। अरे आप तो शर्मा रहे हैं, शायद उजाले में आपको शर्म आ रही है। मैं लाइट ऑफ किए देती हूँ, आइए ना बढ़िए। आइए आगे बढ़िए। आप तो शर्मा रहे हैं, आइए ना। बस करो और ढक लो अपने इस जिस्म को। यह तुम नहीं, वो लड़की बोल रही है जिसने सिर्फ बिकना सीखा। मैंने खरीदार बनके तुम्हें यहां इसलिए बुलाया ताकि मैं अपनी दिल की बात तुमसे कह सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नीलिमा, तुम्हारे अंदर छुपे हुए प्यार को जगाकर अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। लेकिन तुम तो प्यार के नाम से डरती हो, और शायद इसलिए क्योंकि अब तक तुमने मर्द की आंखों में सिर्फ वासना देखी है। मेरी आंखों में देखो नीलिमा, देखो, देख सकती हो तो मेरा प्यार देखो, और अगर तुम्हें यह प्यार न दिखाई दे तो चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारी यादों की मिट्टी से तुम्हारी मूर्ति बनाकर जिंदगी भर उसकी पूजा करता रहूंगा। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो। जिस माहौल में मैंने जिंदगी गुजारी है उस माहौल में प्यार नाम का शब्द जरूर लिया जाता है, मगर सिर्फ खेल के लिए। लेकिन अब मेरा दिल तुम्हारे प्यार की सच्चाई को जान चुका है। सच? हाँ विजय। नीलिमा क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ प्यार के जो सपने हम दोनों ने देखे हैं उन्हें तुम्हारे घर वाले कहीं तोड़ तो नहीं देंगे। अरे पगली, तू मेरे घर वालों को नहीं जानती। मेरे डैडी थोड़े सख्त जरूर है, लेकिन मम्मी एक बार तुमसे मिल ले ना तो डैडी को तो यूं ही मना लेगी। माँ जी ये असली चांदी है। अरे इसे हाथ मत लगाओ, जाके बाकी बक्से ले आओ। माँ जल्दी से आशीर्वाद दे मुझे। बेटा तू कब आया, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। लेकिन ये सब क्या है माँ? ये सब तेरी शादी के लिए है। शादी किससे? उसी से जिसे तू पसंद करता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसे पसंद करता हूँ? तू क्या समझता है कि हम आंखें बंद करके चलते हैं? सच? तुम्हें मालूम है माँ? और मैं ये भी जानती हूँ कि अनुपमा तुम्हें कितना प्यार करती है। अनुपमा? ये तुम क्या कह रही हो माँ? अनुपमा सिर्फ मेरी दोस्त है, उसके बारे में मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तुमने चाहे जो कुछ भी सोचा हो साहबजादे, लेकिन हमने तो फैसला कर लिया है कि ये शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। लेकिन मुझे ये शादी मंजूर नहीं माँ। तुम नामंजूर करने वाले कौन होते हो? लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है डैडी, कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता। आपको इस तरह फैसला करने का कोई हक नहीं डैडी। कौन से हक की बात करते हो तुम? मोटरसाइकिल पर बैठ के हवा में उड़ने का हक, या अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को उड़ाने का हक? किस हक की बात करते हो? लेकिन डैडी शराब, तुम्हारी शादी के लिए मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि ये घर मेरा है। अच्छा किया आपने बता दिया कि ये घर सिर्फ आपका है। बेटे, बेटे खेत, बेटे कहाँ जा रहे हैं बेटे? माँ दौलत के बोझ से कहीं मेरा दम घुट ना जाए, इसलिए खुली हवा में जा रहा हूँ। बेटे, बेटे रुक! तुम्हारी इस धमकी का असर तुम्हारी माँ पर होगा, मुझ पर नहीं, समझे? जी हाँ, क्योंकि आप हर चीज दौलत के तराजू में तोलते हैं, अपने बेटे को भी। जाने दो इसे। जब सर के ऊपर से छत और पैर के नीचे से नरम कारपेट हट जाएगा तब पता चलेगा इसे कि बाहर की दुनिया बाप का घर नहीं। बिजे, बिजे, बिजे,
अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? आज सुबह मैंने एक सपना देखा। सुबह का सपना सच होता है ना? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखा क्या? मैंने देखा हम दोनों की शादी हो गई है। ये सपना सपना ही रहेगा अनुपमा। हमारे घर वाले हमारी दोस्ती को मोहब्बत समझ लेंगे, ये मैंने सोचा ना था। इसका मतलब है तुम मुझे? हाँ अनुपमा, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी सबसे अच्छी साथी हो, लेकिन तुम मेरी जीवन साथी नहीं बन सकती, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ जीने मरने की कसमें खा चुका हूँ, उसका दिल मैं कैसे तोड़ दूँ? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ अपने प्यार का सहारा बनने। एक अच्छा साथी समझकर मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। विजय जी, मुझे जाना अंदर है, चल जा। विजय कहाँ ले जा रही हैं आप इसे? जहाँ से ये आई थी। लेकिन हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। शादी के सपने दिखाकर फोकट में मजे लूटना चाहते हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, आप नीलिमा से पूछ लीजिए। हाँ जी, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी। आप नीलिमा की आंटी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे सामने उस पर कोई हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल का लौंडा होकर मुझे धमकी देता है, चल हट शिंगो। नीलिमा चलो शिंगो, मुझे बचा लो विजय, मैं करता हूँ गाड़ी रोक दो, मुझे बचा लो विजय, गाड़ी रोक दो। Thank you.